नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के कबाब। ये देखिए कितने अच्छे बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं बिल्कुल। ये देखिए आप कितने सॉफ्ट बने हैं एकदम से, और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं, और इनको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आज एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम मटन जो लिया था उसका मैंने कीमा बना लिया है, और मैंने ये लिए हैं चॉप्ड अनियंस, ये मैंने लिए हैं 2 प्याज बड़े वाले, और 2 चम्मच मैंने ये थोड़ा सा भुना हुआ बेसन लिया है, और मैंने ये लिए हैं लगभग 6 से 7 लहसुन की कलियां, और 4 बड़ी वाली इलायची, और 6 से 7 मैंने लिए हैं लौंग, और 6 से 7 ही मैंने लिए हैं काली मिर्च, और ये एक छोटा सा एक टुकड़ा लिया है मैंने जावित्री का, और एक ये लिया है मैंने दालचीनी का टुकड़ा, और ये मैंने लिए हैं लगभग 8 से 10 पत्ते मैंने मिंट लीव्स लिए हैं, और ये मैंने धनिया पत्ती ली है, ये देशी घी लिया है इसको कीमा को छौंकने के लिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसको आप इसकी जगह आप चाहे तो आप देशी घी की जगह आप तेल या फिर बटर भी ले सकते हैं, बटर का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये फाइन चॉप्ड मैंने लगभग 2 हरी मिर्च ली हैं, और ये 1/4 चम्मच मैंने धनिया जो है साबित वाला उसको कूट के मैंने रख लिया है, 2 लाल मिर्ची ली हैं, और नमक लिया है स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 ही चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं इनको कूट करके तैयार कर लेती हूँ, फिर हम कीमा को छौंकेंगे। तो चलिए कीमा छौंक लेते हैं। ये मैंने पैन गरम करने चढ़ा दिया है, और अब मैं इसमें डालती हूँ घी, और सबसे पहले हम घी में डालेंगे ये जो मैंने लहसुन अदरक और खड़े मसाले जो हैं इनको मैंने ये कूट लिया है बहुत अच्छे से। आप इसकी जगह इनको खड़े मसाले की जगह आप चाहे तो गरम मसाला पिसा हुआ भी ले सकते हैं। और घी की जगह बटर ले सकते हैं। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल देती हूँ चॉप्ड अनियन, इसको हमको ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा बस ये डार्क पिंक कलर हो जाए इनका। तो ये प्याज हमारे हो चुके हैं सौते, अब हम इसमें एक एक करके सारे अपने मसाले डालेंगे, इनको हमको ज़्यादा नहीं सेकना है। तो ये हो चुके हैं, तो मैं डालती हूँ इसमें ये हरी मिर्ची, हल्दी, नमक, कुटा हुआ साबुत धनिया, लाल मिर्ची, गैस मैंने अभी सिम पे कर रखी है, नहीं तो ये सब कुछ जो है जल्दी जल्दी जल जाएगा, और ये जो लाल मिर्च मैंने साबुत ली हैं इनको आप थोड़ा सा बस इसी तरह से क्रश करके इसमें डाल दीजिए, और ये पिसा हुआ धनिया, तो ये लीजिए ये हो चुका है, मसाले सारे सिक चुके हैं, एक जो है मिनट इसको लगभग इसको सिक करके अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। इसको हमको लगभग 80% लगभग हम इसको इस पर पैन में ही पका लेंगे, ताकि उस समय जब हम कबाब बनाएंगे तब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं डाल देती हूँ ये मिंट लीव्स, धनिया मैं बाद में डालूंगी। तो ये देखिए आप मटन ने जो है थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, अब मैं इसको लगभग सिम गैस पर 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। मैंने बिल्कुल सिम गैस कर दी है, मैं इसको 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ। तो ये देखिए अभी लगभग 10 मिनट हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे इसके जूसेस आए हैं बाहर, उसी में ही आराम से ये पक जाएगा, पर लेकिन अभी हाल इसमें कसर बाकी है, मुझे बहुत अच्छे से इसको गलाना है अभी, तो मैं भी इसको लगभग और 10 मिनट पकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, और इसका जूसेस भी अब बिल्कुल पानी इसका एकदम सूख चुका है, तो मैं अब इसमें जो है ये देखिए बहुत अच्छे से बन चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये हरा धनिया, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये थोड़ा सा जो मैंने बेसन जो लिया है, ये मेरा भुना हुआ बेसन है, क्योंकि जो है इससे थोड़ा सा कच्चापन हट जाता है, और इसमें मैं निचोड़ दूंगी ये
आधा नींबू। तो ये हो गया। अब मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करती हूँ। बेसन से क्या होगा कि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी और जब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे तो ये बिखरेंगे नहीं, और बल्कि इतना अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है कि आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से इसका बिल्कुल बढ़िया से एकदम थिक तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो ये हो चुका है तैयार। बाइंडिंग के लिए आप चाहें तो अंडे भी ले सकते हैं काम में, अंडे में डिप करके आप उसको फ्राई कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़। ये देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। तो ये देखिए अब अच्छे से ठंडा हो गया है ये, तो अब मैं इसके कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा हाथ में चिकनाई लगा लीजिए ताकि वो चिपकेगा नहीं। कबाब अपनी पसंद से आप जैसा भी चाहें वैसा शेप दे करके बना सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से, जिस तरह से जो पर्टिकुलर जो कबाब का शेप होता है इस तरह से भी बना सकते हैं आप। ये देखिए ये, और इसके अलावा जो है आप स्क्यूअर पे भी इसको चढ़ा करके, जैसे आप कोई ऐसे स्क्यूअर ले लीजिए और आप इसके ऊपर इस तरह से लपेट करके, ये देखिए मैं दोनों ही तरह से बता देती हूँ आपको बना करके, ये देखिए। और उसके बाद फिर क्या होगा, आप इसको बना करके और इसमें से इस तरह से निकाल लीजिए। तो कबाब का जो शेप होता है ये भी बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी इस तरह से बना सकते हैं। जो इसमें होल हो जाएगा ये, उससे ये अंदर से भी बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। तो मैं हाल फिलहाल अभी जो है इस तरह से एक ही शेप के बना रही हूँ। इस तरह से ये शेप बन गया हमारा। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। तो ये कबाब बनके हो चुके हैं पूरे तैयार, और ये 250 ग्राम मटन में लगभग ये 10 कबाब बनके तैयार हुए हैं। और जब तक मैं कबाब बना रही थी तब तक मैंने पैन जो है गरम करने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर, और अब मैं उसमें ऑयल डाल देती हूँ। आप इसमें कम ऑयल में भी बना सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में बनाऊँगी। ज़्यादा ऑयल में बनाने से क्या होगा कि इसके जो आसपास की जो एजेस होती हैं वो भी अच्छे से सिक जाती हैं। आप इसको एक या दो चम्मच ऑयल में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। वो तेल हो चुका है गरम। अब हम इसमें एक एक करके कबाब डाल देंगे। ये आसपास जो डाल रही मैं कबाब, तो वहाँ पर तेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये अच्छे से साइड की इसकी जो एजेस हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से सिक जाएंगी। ये देखिए अब मैं गैस जो है थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहे हैं। अब मेरे ख्याल से शायद ये एक तरफ से सिक चुके हैं। इनको बहुत ही हल्के हाथ से आप इस तरह से पलट दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा से सिक गया है ये। ये देखिए मैं एक एक करके इनको सभी को पलट दूंगी। ये सभी कबाब को मैंने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको लगभग 2 मिनट पकाऊंगी। मेरे को ज़्यादा इनको सेकना नहीं। तो ये कबाब जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। मैं गैस बंद कर रही हूँ, अब मैं इनको निकाल देती हूँ। ये देखिए आप कितना अच्छे से रेडी हो चुके हैं ये। बहुत हल्के हाथ से इनको आप निकाल लीजिए। लीजिए गर्मा गर्म कबाब बनके हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। और मैंने इसको जो है पीनट और हरे धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व किया है, और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल जूसी बने हैं एकदम। ये देखिए आपके हाथ लगाते ही कितने से एकदम से बिखर रहे हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, एकदम जूसी बने हैं। ये देखिए आप बहुत ही बढ़िया बने हैं, नहीं तो ये सूखे सूखे से बन जाते हैं कई बार, पर ये बहुत ही अच्छे से बने हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।